जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब से लॉकडाउन हुआ है उसके कुछ टाइम के बाद से मैं फूड डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं। उसमें मैं और मेरा परिवार मिलकर सहयोग कर रहे हैं, खाना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन वो हमेशा कुक फूड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम लोग। लेकिन इस बार हमारा प्लान कुछ डिफरेंट है। आप लोग देखिए, ये सब रॉ मटेरियल है, कच्चा राशन है जिसे बोलते हैं। और ये हम लोग ने क्यों फिगर आउट किया, बिकॉज मेरे कुछ फ्रेंड्स रहते हैं जर्मनी में, जिनका नाम है पवन, रीना कुमारी और राज। उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे बोला कि आप जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहे हो, ये पका हुआ राशन दे रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस बार उन्होंने बोला कि हमारा भी कुछ सहयोग ले लो इसमें। तो मैंने कहा ठीक है, जैसे आप लोगों को ठीक लगता है आप लोग कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि हम क्यों ना इस बार कच्चा राशन डिस्ट्रीब्यूट करें। तो कच्चे राशन में हम लोग ने डिस्ट्रीब्यूट करने का प्लान किया है कि इसमें आटा है, दाल है, चावल है, चीनी है, तेल है, नमक है, हल्दी है और एक साबुन है। तो इसलिए ये हम लोगों ने इसलिए प्लान किया क्योंकि पका हुआ फूड हम लोग बहुत टाइम से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, तो कुछ अलग भी हो जाएगा और सबको जितने इसमें क्वांटिटी है, एटलीस्ट एक परिवार के लिए कम से कम एक हफ्ते का राशन इसमें, एटलीस्ट एक हफ्ते का राशन हो जाएगा उनके लिए पूरा। और जिस काम का हम लोग इतनी देर से वेट कर रहे थे वो काम अब शुरू हो चुका है, राशन डिस्ट्रीब्यूट करने का। तो आप लोग देख रहे हो कि मैं पैकेट्स उठा उठा के फटाफट से नीचे इसलिए जल्दी जल्दी रख रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ। और भी आप लोग देख रहे हो, ये सब हमारे स्टाफ ही हैं जो हम लोग के पास काम करते हैं, वो लोग भी आ गए हैं हेल्प कराने के लिए कि आप फटाफट ये लोग सामान लेकर के नीचे जाएं क्योंकि नीचे लोग ऑलरेडी वेट कर रहे हैं। और आप ये देख रहे हो, मम्मी मुझे समझा रही है, मम्मी मुझे बोल रही है कि नीचे भीड़ बहुत ज़्यादा है और मास्क मत उतारना और ज़रा सेफ्टी बरतना। तो अब मैं नीचे आ चुका हूँ और आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पर काफ़ी भीड़ हो चुकी है। तो अभी तो ये बहुत कम लोग हैं और वो कहते हैं ना कि जब इंसान को ज़रूरत होती है तो वो उस जगह पर खुद खिंचा चला आता है। तो राशन डिस्ट्रीब्यूट करने का काम अब शुरू हो गया है। वो कहावत है ना कि डूबते को तिनके का सहारा, तो बस यही समझ लो कि हमारी तरफ से यही कोशिश है कि हम जितना हो सके ज़रूरतमंद जो भी लोग हैं उनके काम आ जाएं। और अभी मैं यहाँ पर वो एक मेरा ग्लव्स फट चुका है तो मैं ग्लव्स के लिए बोल रहा हूँ कि मेरा ग्लव्स एक भिजवा दो और मुझे। अभी ये राशन डिस्ट्रीब्यूट करने का काम शुरू हो गया है और आप लोग देख रहे हो, ये जो मैम मेरे बगल में खड़ी हुई हैं ये रेड क्रॉस फाउंडेशन से हैं और उनके पीछे एक चेक शर्ट में खड़े हैं, वो भी रेड क्रॉस फाउंडेशन से हैं। बाकी आप लेफ्ट राइट में जितने भी सदस्य देख रहे हैं मेरे आसपास में, वो सब के सब किसी न किसी संस्था से जुड़े हुए हैं। और सबसे पहला काम हाथ सैनिटाइज करवाना, जो कि ये हाथ सैनिटाइज करवा रहे हैं और मैं राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। और ये जो पैकेट अभी जिसने दिया है वो मेरे पापा हैं और वो बोल रहे हैं कि आप क्यू में आइए। ये देखिए, हाथ सैनिटाइज कराना बहुत ज़रूरी है बिकॉज इस टाइम आपका हाथ भी किसी को टच हो रहा है और किसी का हाथ आपको भी टच हो रहा है, तो ऐसा ना हो कि किसी के लिए कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो। और हम सबको बता रहा हूँ मैं कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाइए, लाइन में खड़े होइए, क्योंकि आप सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बनाएंगे और अगर लाइन में नहीं खड़े होंगे तो हमारे लिए भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। मैं जो ये हेल्प कर रहा हूँ इसमें मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुकून मिल रहा है, लेकिन मैं सिर्फ ऊपर वाले से यही दुआ करूंगा कि किसी भी देश के लिए, इनफैक्ट हमारे देश के लिए नहीं, किसी भी देश के लिए ये मुसीबत की घड़ी जो आई हुई है, ये मुसीबत की घड़ी हट जाए, ख़त्म हो जाए। और मैं ऐसी हेल्प करता रहूं, लेकिन मैं कभी भी ऐसा नहीं चाहूंगा कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जिससे हमारे देश में लोगों के मन के प्रति पैनिक फैले, लोग डरें, एक दूसरे से बात करने से डरें, एक दूसरे से मिलने से डरें। और मतलब ये जो सिचुएशन है ये बहुत वर्स्ट सिचुएशन है और ये सब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, बस मेरी ऊपर वाले से यही दुआ है।
तो अभी आप लोग जो ये क्यू देख रहे हो, इस क्यू के बारे में मैं स्पेशली इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये वो लोग हैं जहाँ पर मैंने फर्स्ट टाइम राशन डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया था, जो कि मैं पका हुआ राशन देता था वहाँ पे, पका हुआ खाना देता था। तो मैं कल वहाँ पर गया था स्पेशली इनको बताने के लिए कि मैं इस डेट पे यहाँ पर राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, तो आप लोग भी वहाँ पर आएँ और इस राशन का लाभ उठाएँ। तो अब ये राशन डिस्ट्रीब्यूट करने का काम अंतिम पड़ाव पर है और मोस्टली ख़त्म हो चुका है राशन डिस्ट्रीब्यूट करना। तो मैं इन सब लोगों को, जो भी लोग हमारे साथ राशन डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करने आए हैं, उन सारी संस्थाओं को, इन सब, इन मैम को पर्सनली, रेड क्रॉस फाउंडेशन को, इन सबको थैंक यू कहना चाहता हूँ। तो गाइस, आज मैं सुबह बहुत ज़्यादा बिजी था इसलिए आप लोगों से बात नहीं कर पाया, और उसके लिए तो एक्सट्रीमली सॉरी एक बात के लिए कि मैं आप लोगों का वेलकम भी नहीं कर पाया। तो वेलकम टू आवर चैनल जतिन शीतल। और आज का ये जो ब्लॉग आपने देखा, ये एक फूड डिस्ट्रीब्यूशन ब्लॉग था, लेकिन इसमें आज हम लोग रॉ मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, जो कि कच्चा राशन जिसको बोल सकते हैं। बहुत अच्छा लगा, काफ़ी सारे लोग आ गए थे, गेट टुगेदर हुई, बट सोशल डिस्टेंसिंग का हमने अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करी है, बेस्ट टू बेस्ट, कि सबके हाथ भी सैनिटाइज करवाए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया है। और ये जो भी ज़रूरतमंद लोग थे उन लोगों को हमने खाना डिस्ट्रीब्यूट किया, सब चीज़ें करी। और इस बार हम लोग ने कुक फूड नहीं बनाया था, और आपने देखा ये पैकेट्स थे कुछ, तो वो पैकेट डिस्ट्रीब्यूट किए, और मैं भी बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, और ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे हमारे देश को नुकसान हो या फिर हमारे माँ बाप को कोई परेशानी उठानी पड़े। और एक बात, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। टेक केयर गाइस, स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे हेल्दी, लॉकडाउन का समय है तो अपना ध्यान रखें। और हाँ, इस बॉटल को सैनिटाइजर की अपने साथ रखें हमेशा, और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। ठीक है, बाय।